दोस्तों, क्या आप अपनी गर्लफ्रेंड को खुद के प्यार में पागल बनाना चाहते हैं? अगर हाँ, तब इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना ताकि आने वाला कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। अगर आपके दिल की मलिका मेष राशि, लगन और सनसाइन का है, तब कभी भी उनके इनोसेंस के साथ मत खेलना। इनके साथ कभी भी आर्गुमेंट नहीं करना। आपकी गर्लफ्रेंड इज टू मच इमोशनल, इसीलिए उनके इमोशन को कभी भी मत छेड़ना। कॉम्प्लीमेंट आपकी दिल के मलका को बड़ा पसंद है, इसीलिए रेगुलरली कॉम्प्लीमेंट देते ही रहना। अगर आपके ख्यालों की और दिल की मलिका वृषभ लग्न राशि या टॉरस सनसाइन का है, तब उनको बहुत सारा प्यार दीजिए। इन रिटर्न वो आपको बहुत सारा प्यार देगी। इनके सामने कभी भी आपके कोई भी महिला दोस्त का बात मत करना, क्योंकि ध्यान रखना, आपके प्यार आपके ऊपर थोड़ा ज्यादा ही पॉजिटिव है। आपके मलिका बहुत ज्यादा ही सेंसिटिव है और इंट्रोवर्ट स्वभाव का है, इसीलिए इनके दिल को चोट मत पहुंचाना। अगर आपके ख्यालों की मलिका मिथुन लग्न राशि या जेमिनाई सनसाइन का है, तब आपके मलिका बहुत सोशल और फ्रेंडली किस्म की होगी, इसीलिए आप तैयार रहना, इनके सामने ज़्यादा अवेलेबल मत होना, क्योंकि बहुत जल्दी वो आपके ऊपर से अट्रैक्शन खो सकती है। अगर आपके ख्यालों की मलिका कर्क राशि लग्न या कैंसर सनसाइन का है, तब आप भूल कर भी उसके इमोशन सेंसिविटी और प्यार को लेके मत खेलना। आपकी मलिका हद से ज़्यादा केयरिंग और प्रैक्टिकल है, इसीलिए आप भी उसके ऊपर थोड़ा केयरिंग मनोभाव रखें और किसी भी विषय को लेके प्रैक्टिकली उनके साथ बातचीत करें। अगर आपके ख्यालों की मलिका सिंह राशि लग्न या लियो साइन का है, तब आप उसको बहुत सारा अटेंशन दीजिए, क्योंकि आपके मलिका थोड़ा बहुत अटेंशन सीकर है और खुद को ग्लैमरस और अप टू डेट बनाइए और किसी भी छोटे छोटे सब्जेक्ट के ऊपर उनको कॉम्प्लीमेंट दीजिए। अगर आपके ख्यालों की मलिका कन्या राशि लग्न या वार्गो सनसाइन का है, तब उनके सामने आप एक गुड लिसनर बन जाइए। आपके दिल की मलिका थोड़ा ज़्यादा ही प्रैक्टिकल एनालिटिकल चैलेंज लवर एंड लॉजिकल है, इसीलिए आप उनको अप्रिशिएट करें और भूल करके भी उनके सामने इम्प्रैक्टिकल और इलॉजिकल बात ना करें। अगर आपके ख्यालों की मलिका की तुला राशि लग्न और लिब्रा सनसाइन है, तब कोशिश करें इनके जैसे सोशल और फ्रेंडली होने का। इनके साथ थोड़ा बहुत इंटेलेक्चुअल बात कीजिए, स्पोर्ट्स आर्ट्स रिलेटेड फैशन रिलेटेड थोड़ा बहुत बात कीजिए। ध्यान रखिए, आपके दिल की मलिका थोड़ा सेल्फिश किस्म की है, इसीलिए पहले इनके पसंद और नापसंद का ख्याल रखिए और जितना ज़्यादा हो सके कॉम्प्लीमेंट दीजिए। अगर आपके ख्यालों की मलिका वृश्चिक राशि लग्न या स्कॉर्पियो साइन का है, तब भूल करके भी इनके साथ कोई भी आर्गुमेंट मत करना। इनके इनोसेंसी और इमोशन के साथ कभी भी मत खेलना। इनको ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करना और कभी भी इनके कोई सीक्रेट मैटर पे इन्वॉल्व होने का कोशिश मत करना। अगर आपके ख्यालों की मलिका धनुराशि लगन
या सजिटेरियस सनसाइन का है तब इनको बहुत सारा प्यार दीजिए, लेकिन कभी भी इनके करियर और जिंदगी में कोई भी बाधा मत डालिए। ये जिंदगी में रिक्स लेने की और गतिशील जिंदगी को पसंद करती है, इसीलिए आप भी थोड़ा खुद में बदलाव ले आइए और जिंदगी में रिक्स लेना सीखिए। अगर आपके दिल के मलिका मकर राशि, लगन या सनसाइन का है तब उसके बुद्धि, अनुभूति और एम्बिशन को मान लीजिए, रेस्पेक्ट कीजिए और खुद भी एम्बिशियस और सक्सेसफुल होने का प्लान कीजिए उन्हीं के साथ। बहुत सारा प्यार दीजिए और उसको अपने साथ ही रखिए। अगर आपके दिल की मलिका कुंभ राशि, लग्न या एक्यूरियस सनसाइन का है तब उसके जैसे सोशल, फ्रेंडली, नॉलेजेबल और ब्रॉड माइंडेड होने की कोशिश कीजिए। इन लोगों के साथ थोड़ा सावधान रहना, कभी भी इनके जिंदगी में बाधा मत डालना। इनको कॉम्प्लीमेंट बहुत पसंद है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट देते ही रहना। अगर आपके दिल की मलिका मीन राशि, लगन या पाइसेस साइन का है तब उसके बुद्धि को आप मान लीजिए। उसके सामने कभी भी उसके डिप्लोमेटिकल स्वभाव के लिए कुछ भी मत कहना, हो सके तो हर वक्त कॉम्प्लीमेंट देते ही रहना। देखिए कैसे आपके दिल की मलिका आपके प्यार में पागल रहते हैं। नमस्कार, मैं सौरभ अभी के लिए आपसे इजाजत चाहता हूं।